दोस्तों, दुबई के लोगों के लिए सोना ऐसा है जैसे उसके देश में कोई आम बात हो। सोने की गाड़ियाँ और घड़ियाँ तो आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन दुबई के ये शेख सोने को पहनने से लेकर खाने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सोना तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकता है। तो आखिर ऐसा क्या है जो दुबई में सोना इतना सस्ता और आम है? आज आपको यही बताने वाले हैं, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुबई के विकास में तेल और टूरिज्म का जितना योगदान है, लगभग उतना ही बड़ा योगदान गोल्ड का भी है। यहाँ एक तरफ दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों की ऑफिस और आलिशान शोरूम मौजूद है, वहीं दुबई में एक मार्केट ऐसी भी है जिसके अंदर लगभग 1000 से भी ज्यादा सोने की दुकानें हैं, जो रोजाना हजारों किलो सोने का बिजनेस करती है। जी हाँ, हजारों किलो सोने का बिजनेस। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दुबई में इतना सोना आ कहां से रहा है, और ऐसा क्या है कि दुबई के सराफा बाजार में सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है? दरअसल दोस्तों, दुबई साउथ अफ्रीका से बड़ी मात्रा में कच्चा सोना इंपोर्ट करता है, और फिर उस कच्चे सोने से बढ़कर एक खूबसूरत ज्वेलरी तैयार की जाती है। फिर दुबई का स्टैंप लगते ही इस ज्वेलरी का रेट दुबई में सोने के रेट के बराबर पहुंच जाता है। दोस्तों, दुबई में तैयार हुई ये ज्वेलरी इतनी प्योर और दिखने में खूबसूरत होती है कि ये ना सिर्फ दुबई में बल्कि दुनिया भर में बेची जाती है, जिसमें भारत और चीन सबसे आगे है। और इस तरह दुबई हर साल लगभग 1200 टन सोने का व्यापार करता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितना गोल्ड बिकता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 35% सिर्फ दुबई का ही होता है। यहाँ सोने की मार्केट इतनी बड़ी है कि दुबई में गोल्ड सेक्टर में करीब 4086 कंपनियां काम करती हैं, और ये महामारी में पिछले साल दुबई ने 5,52,000 करोड़ से ज्यादा का गोल्ड बेचा था। अब ये तो सब जानते ही है कि इंडिया में भी सोने का क्रेज लोगों के सर पर चढ़ा हुआ है। शादी से लेकर एनिवर्सरी तक भारतीय सोने का खूब इस्तेमाल करते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात में शहर दुबई में भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं, और अपनी सोने में गहरी दिलचस्पी की वजह से यहाँ गोल्ड में निवेश करने के मामले में भारतीय सबसे आगे हैं। दुबई में भारतीयों के बाद गोल्ड में सबसे ज्यादा निवेश पाकिस्तान, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ओमान और कनाडा के लोगों का है। अब बात करते हैं, दुबई का सोना दुनिया भर में इतना मशहूर क्यों है और कैसे ये सोने की इतनी बड़ी मार्केट बन गई? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दुनिया भर में सोने की शुद्धता और गुणवत्ता के मामले में दुबई पहले नंबर पर है। दुबई में जितने भी ज्वेलर्स गोल्ड बेचते हैं, वे सारा गोल्ड सरकार द्वारा उनकी शुद्धता और गुणवत्ता को चेक करके ही प्रमाणित किया जाता है। इसके अलावा हर ज्वेलर को अपनी स्टोर से बेचे जाने वाली हर गोल्ड की आइटम पर सोने की शुद्धता का हॉलमार्क लगाना जरूरी होता है। यही हॉलमार्क बताता है कि सोना कितने कैरेट का है, और ये हॉलमार्क पूरी दुनिया में मान्य होता है। अगर दोस्तों कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्क के ज्वेलर को बेचता है या फिर मिलावटी सोना बेचता है, तो उसे यूएई एंटी लॉ के तहत 2 साल तक की सजा या फिर 2 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब दोस्तों, दुबई में कानून कितने सख्त है ये जो दुबई गया है उससे पूछ सकते हैं। इतने सख्त कानून होने पर यहाँ नकली सोने का व्यापार ना के बराबर है। इसके अलावा दुबई में सोना बाकी देशों की तुलना में बहुत ही सस्ता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि बाकी देशों में सोने के ऊपर कई तरह के टैक्स लगते हैं, जैसे इंडिया में वैट प्लस जीएसटी प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस लेबर चार्ज जैसे अलग अलग टैक्स लगते हैं, जो सोने की ज्वेलरी को काफी महंगा बना देते हैं। लेकिन दुबई में गोल्ड ज्वेलरी पर सिर्फ 5% वैट लगता है, और ये टैक्स भी जनवरी 2018 के बाद लगना शुरू हुआ, जिसका मतलब है कि 2018 के पहले दुबई से सोना खरीदना आज के मुकाबले और भी सस्ता था। इसके अलावा दुबई में आने वाले टूरिस्ट वेट रिफंड कर सकते हैं, तो टूरिस्ट के लिए तो गोल्ड और भी सस्ता हो जाता है। साथ ही दुबई में सोने की कीमत या फिर भाव हर शॉप में एक ही होता है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस को फॉलो किया जाता है, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। इसका फायदा ये होता है कि आपको हर शॉप में जाकर गोल्ड प्राइस चेक या फिर नेगोशिएट करने का झंझट नहीं रहता। दुबई में सोने की कीमत फिक्स जरूर है, लेकिन आभूषणों की बनवाई से लेकर लेबर चार्ज में आप मोल भाव कर सकते हैं।
लेकिन ये सब आभूषण के डिजाइन किस देश का डिजाइन है, मशीन से बना है या हाथ से, रिटेलर पर और आपके बार्गेनिंग टैलेंट पर भी निर्भर करता है। और अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स कमाल की है तो हम आपको राय देंगे दुबई गोल्ड सूक में जाने की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दुबई गोल्ड सूक है क्या, तो दोस्तों यही वो दुबई का ट्रेडिशनल गोल्ड मार्केट है जिसके बारे में कहा था कि हम आपको आखिर में बताएंगे। दोस्तों दुबई गोल्ड सूक दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बाजार है जिसमें हजार से भी ज्यादा दुकानें हैं। इसके अलावा हर मॉल में बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि डमस, मालाबार और कल्याण ज्वेलर्स जैसी गोल्ड शॉप भी मौजूद है। यहाँ आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी मिल जाती है। आप किसी भी शॉप से खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि शुद्धता की गारंटी हर शॉप देती है। और यहाँ दुनिया भर के देशों से एक से बढ़कर एक डिजाइन वाली ज्वेलरी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों दुबई से सोना खरीदने का एक फायदा और है। अगर दुबई में आप खरीदा हुआ सोना एक्सचेंज करने जाते हैं तो जितना वेट आपकी ज्वेलरी का होता है उतना पूरा सोना माना जाता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अगर आप खुद दुबई जाए तो आप कितना सोना दुबई से ड्यूटी फ्री यानी कि बिना एक्स्ट्रा टैक्स दिए ला सकते हैं? तो दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIS के मुताबिक कोई भी भारतीय यात्री जिसके पास वैलिड पासपोर्ट है और एक वर्ष से ज्यादा समय से विदेश रह रहा है तो वो अपने साथ दुबई से ज्वेलरी ला सकता है। लेकिन ये नहीं कि मन मुताबिक किलो के हिसाब से खरीदा और इंडिया में आकर बेच दिया। इस पर भी लिमिट है और आप दुबई से कितना सोना टैक्स फ्री ला सकते हैं तो चलिए जानते हैं। अगर आप पुरुष यात्री हैं तो इसकी लिमिट 20 ग्राम है या फिर जिसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा ना हो आप इतनी ही गोल्ड ज्वेलरी ला सकते हैं। और अगर आप एक महिला यात्री है तो 40 ग्राम गोल्ड या फिर जिसकी कीमत 1,00,000 रुपए से ज्यादा ना हो इतने सोने के आभूषण पर आप ला सकते हैं। यही सेम नियम बच्चों पर भी लागू होता है। और अगर आपको दुबई से भारत इससे ज्यादा सोना लेकर जाना हो तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी जो पहले 10% थी लेकिन अब बढ़कर 12.5% हो गई है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप कस्टम ड्यूटी देकर मन चाह सोना ला सकते हैं। इसकी भी लिमिट है। अगर आप दुबई में 6 महीने से ज्यादा रुके हैं तो आप 1 किलो सोने का बार या फिर कॉइन के रूप में ले जा सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा सोना लाना चाहेंगे तो एक्स्ट्रा सोने पर 36.5 कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दुबई से सोना खरीदना हर हिसाब से अच्छा है। तो आप जब भी दुबई जाए गोल्ड शॉपिंग जरूर करें। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी खरीदारी का बिल अपने साथ रखें और हो सके तो गोल्ड पहनकर ही आए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।